हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 12 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एक्सरसाइज चैप्टर 2 के तहत आता है, जिसमें हम लोग वाज वेयर का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाले जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो नंबर 1 पर है हमारा कि मैं खुश था। इसमें वाज वेयर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर है कि मैं खुश था, तो मैं तो आई, ठीक है। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज। और हम के साथ मतलब हम लोग के साथ वेयर यूज करते हैं, मतलब प्लुरल के साथ वेयर और सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करेंगे, ठीक है। तो बनाएंगे आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। नंबर 2, हम लोग गरीब थे, हम लोग गरीब थे, क्या लिखेंगे, वी वेयर पुअर, ठीक है, वी वेयर पुअर, ठीक है। चलिए नंबर 3, आप मेहनती थे, आप मेहनती थे, तो बनाएंगे यू वेयर लेबोरियस, यू वेयर लेबोरियस, ठीक है। चलिए सिंपल है। नंबर 4th पर है हमारा कि आप लोग संतुष्ट थे, आप लोग संतुष्ट थे, तो बनाएंगे यू वेयर सेटिस्फाइड, यू वेयर सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए नंबर 5 पर है हमारा कि तुम तैयार थे, तुम तैयार थे, तो बनाएंगे यू वेयर रेडी, यू वेयर रेडी, ठीक है। नंबर 6, तुम लोग अनुपस्थित थे, तुम लोग अनुपस्थित थे, ठीक है। चलिए इसे बनाएंगे हम लोग यू वेयर अबसेंट, यू वेयर अबसेंट, ठीक है। नंबर 7, वह बूढ़ा था, वह बूढ़ा था, तो बनाएंगे ही वॉज ओल्ड, ही वॉज ओल्ड, ठीक है। नंबर 8, वह उदास थी, वह उदास थी, ठीक है। यहां पर बनाएंगे सी वॉज सैड, सी वॉज सैड। नंबर 9, भिखारी भूखा था, भिखारी भूखा था, तो बनाएंगे द बैगर वॉज हंग्री, द बैगर वॉज हंग्री, ठीक है। हमने द यहां पर इसलिए लगाया क्योंकि यह एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है। नंबर 10, भिखारी भूखे थे, यहां पर भी हम लोग द का ही यूज करेंगे, लिखेंगे द बेगर्स वेयर हंग्री। अब आप लोग पूछोगे कि सर यहां पर क्यों, क्योंकि क्योंकि यहां पर हम लोग देखिए भिखारी भूखे थे, मतलब किसी स्पेसिफिक भिखारी के बारे में कहा जा रहा है जो कि भूखे थे, इसलिए हम यहां पर द का यूज किया, ठीक है। लिखेंगे द बेगर्स वेयर हंग्री। नंबर 11, वे लोग अमीर थे, वे लोग अमीर थे, तो बनाएंगे दे वेयर रिच, दे वेयर रिच। नंबर 12, बच्चा उदास था, बच्चा उदास था, तो बनाएंगे द चाइल्ड वॉज सैड, क्योंकि यहां पर भी बच्चा जो है एक सिंगुलर कॉमन नाउन में है, क्या लिखेंगे द चाइल्ड वॉज सैड। नंबर 13, बच्चे उदास थे, बच्चे उदास थे, सभी बच्चे तो उदास नहीं होते, किसी स्पेसिफिक बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे द का, लिखेंगे द चिल्ड्रेन वेयर सैड, ठीक है। नंबर 14, मेरा भाई उपस्थित था, मेरा भाई उपस्थित था, तो बनाएंगे माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट, माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट, ठीक है। नंबर 15, तुम और मदन अमीर थे, तुम और मदन अमीर थे, ठीक है। चलिए तो यहां पर बनाएंगे यू एंड मदन वेयर रिच। अब फ्रेंड्स, यहां पर दो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हम यहां पर वेयर का यूज किए हैं, और अमीर का होता है रिच, तो हमने रिच लिखा हुआ है, तो लिखेंगे यू एंड मदन वेयर रिच, ठीक है। नंबर 16, राम और श्याम उपस्थित थे, राम और श्याम उपस्थित थे, तो बनाएंगे राम एंड श्याम वेयर प्रेजेंट, राम एंड श्याम वेयर प्रेजेंट। नंबर 17, भारत धनी था, भारत धनी था, क्या लिखेंगे इंडिया वॉज रिच, इंडिया वॉज रिच। नंबर 18, आपका भाई मूर्ख था, ठीक है,
बनाएंगे, योर ब्रदर वॉज फूल या फुलिस, ठीक है, योर ब्रदर वॉज फुलिस या फूल, दोनों लिख सकते हैं। चलिए नंबर 19, आपके भाई मूर्ख थे, आपके भाई मूर्ख थे, तो लिखेंगे योर ब्रदर्स वेयर फूल्स या योर ब्रदर्स वेयर फूल, ठीक है, फूल भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही ब्रदर में एस लगा दिया है। नंबर 20, महात्मा गांधी महान थे, तो बनाएंगे महात्मा गांधी वॉज ग्रेट, महात्मा गांधी वॉज ग्रेट। नंबर 21, वे लोग बुद्धिमान थे, वे लोग बुद्धिमान थे, अब यहां पर हम बनाएंगे दे वेयर इंटेलिजेंट, अब यहां पर दे के साथ हम वेयर का यूज करते हैं तो लिखेंगे दे वेयर इंटेलिजेंट, ठीक है। नंबर 22, हम लोग खिलाड़ी थे, मतलब एक से अधिक खिलाड़ी हैं, तो यहां पर हम वेयर का यूज करेंगे, लिखेंगे वी वेयर प्लेयर्स, यहां पर एक से अधिक खिलाड़ी है इसलिए हमने प्लेयर के साथ एस लगा दिया है, लिखा हुआ है वी वेयर प्लेयर्स, ठीक है। नंबर 23, आप लोग विद्यार्थी थे, क्या है, आप लोग विद्यार्थी थे, तो यहां पर हम बनाएंगे यू वेयर स्टूडेंट्स, यू वेयर स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 24, वे लोग शिक्षक थे, वे लोग शिक्षक थे, तो बनाएंगे दे वेयर टीचर्स, दे वेयर टीचर्स। नंबर 25, राम और मदन किसान थे, तो बनाएंगे राम एंड मदन वेयर फार्मर्स, राम एंड मदन वेयर फार्मर्स। नंबर 26, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक डॉक्टर था, तो बनाएंगे आई वॉज ए डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। नंबर 27, तुम एक कवि थे, तुम एक कवि थे, तो यहां पर फ्रेंड्स एक लगा हुआ है, यहां पर आप लोग वेयर का यूज करेंगे, अगर आपने यहां पर ए लगा दिया तो तुम का मतलब यहां पर निकल जाता है, ठीक है, और अगर यहां पर तुम लोग रहता यहां पर एक नहीं लगा होता, ठीक है। यहां पर लिखेंगे यू वेयर ए पोइट, ठीक है, यू वेयर अ पोइट या ए पोइट, दोनों बोल सकते हैं। नंबर 28, आप एक लेखक थे, आप एक लेखक थे, तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यू वेयर ए राइटर, यू वेयर ए राइटर, ठीक है। नंबर 29, वे शिक्षिका थी, वे शिक्षिका थी, तो यहां पर हम लिखेंगे सी वॉज ए टीचर। अब बोलोगे कि सर यहां पर हमने सी का यूज क्यों किया, क्योंकि एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है और यहां पर एक लिखा हुआ है, अगर यहां पर आता वे लोग तो एक नहीं लिखा होता, और वे एक शिक्षिका थी, मतलब सी का यूज हम करेंगे क्योंकि सिंगलर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अगर यहां पर रहता वे लोग शिक्षिका थे, ठीक है, तो यहां पर हम वेयर का यूज करते हैं और साथ ही साथ यहां पर दे का यूज करते हैं, ठीक है, और अगर यहां पर दिया गया है एक तो यहां पर हम लिखेंगे सी वॉज अ टीचर। नंबर 30, श्याम बाबू एक वकील थे, श्याम बाबू एक वकील थे, कैसे बनाएंगे, श्याम बाबू वॉज अ लॉयर, श्याम बाबू वॉज अ लॉयर, ठीक है। नंबर 31, मेरे मित्रगण नेता थे, मेरे मित्रगण नेता थे, तो चलिए हम बनाते हैं माई फ्रेंड्स वेयर लीडर्स, माई फ्रेंड्स वेयर लीडर्स। तो फ्रेंड्स हमारे इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 31 सेंटेंसेस थे जिसे हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी सेंटेंसेस समझ भी आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटी के आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।